हम लोग पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, और अभी तक हम लोगों ने तीन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे किसी को लिविंग और नॉन लिविंग नहीं बोल सकते हैं। एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हर प्रॉपर्टीज की तरह कॉन्शियसनेस को भी अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, तो मैं तो ये कहूंगा कि पहले इसको समझने से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेने चाहिए। एक को मैं बोल रहा हूं स्टिमुलस और दूसरा रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्सेस। स्टिमुलस या स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्सेस, एक या एक से ज्यादा। पहले समझते हैं स्टिमुलस। कोई भी एक्सटर्नल चेंज जिसको हम सेंस कर सके उसको स्टिमुलस बोलते हैं। सिंपल, कोई भी एक्सटर्नल चेंज, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज, वातावरण में कोई भी बदलाव जिसको हम महसूस कर सकें उसी को क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलस। फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, और जिस ऑर्गन की हेल्प से उसको सेंस करते हैं उसको सेंस ऑर्गन बोलते हैं। मतलब ये हो गया कि कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन की हेल्प से क्या कर सकें, सेंस कर सकें, परसीव कर सकें, उसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलस। ज्यादा होंगी एक से तो उसको क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स क्या है, इस स्टिमुलस के लिए कोई भी ऑब्जर्वेबल या विजिबल बिहेवियर रिएक्शन उसी को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। जैसे कोई स्टिमुलस मिला उसके लिए कोई ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं मैं तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि धूप में आप खड़े हैं गर्मियों में तो आप स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो बॉडी पे डायरेक्टली, यानी कह सकते हैं सनलाइट जो है वो बॉडी पे डायरेक्टली पड़ रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा है तो आप बॉडी के सरफेस की कूलिंग के लिए स्वेटिंग स्टार्ट कर देंगे डैमेज से बचने के लिए। तो ये जो टेम्परेचर है ये स्टिमुलस का काम कर रहा है आपके लिए, और आपका जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग करना है, वो आपका रिस्पॉन्स इस अप्लाइड स्टिमुलस के लिए। आप बैठे हुए हैं, बगल से किसी ने हाथ में पेन चुभो दिया, तुरंत आप हाथ अपने हैंड को वहां से विड्रॉ कर लेंगे, तो वो पेन का चुभना जो है वो स्टिमुलस है और अपने हाथ अपना विड्रॉ कर लिया, ये आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। तो कोई भी एक्सटर्नल चेंज, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज जिसको हम सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से सेंस कर सके, परसीव कर सके, उसको स्टिमुलस बोलेंगे, और उस अप्लाइड स्टिमुलस के लिए हमारा कोई ऑब्जर्वेबल बिहेवियर या रिएक्शन क्या बोला जाएगा, रिस्पॉन्स बोला जाएगा। और इस स्टिमुलस को सेंस कर पाना और रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर पाना, या कह सकते हैं इस स्टिमुलस को सेंस कर पाने की और रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर पाने की एबिलिटी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। यानी स्टिमुलस को सेंस करना और रिस्पॉन्स को जनरेट करना या प्रोड्यूस करना, इस एबिलिटी को क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस। एबिलिटी टू सेंस स्टिमुलाई एंड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस। या फिर बुक की लैंग्वेज में क्या है, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग। सिंपल तो है, मतलब कि
हमारे वातावरण के लिए हमारा जो क्या है अवेयरनेस है, वही हमारा क्या है कॉन्शियसनेस है। वही मैं आपको सिंपल टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं कि स्टिमुलस को सेंस कर पाना, रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर पाना, स्टिमुलस को सेंस कर पाने और रिस्पॉन्स को जनरेट कर पाने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो यही तो है, हम रिस्पॉन्स तभी जनरेट करेंगे जब हमें स्टिमुलस सेंस कर पाएंगे। और स्टिमुलस क्या है, कोई भी एक्सटर्नल चेंज है। तो एक सराउंडिंग में कोई भी चेंज जो है उसके लिए रिस्पॉन्स का जनरेट करना, यानी कह सकते हैं अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर है, तो अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग को क्या बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं। भाई मैंने आपको सरल भाषा में समझाया, एबिलिटी टू सेंस स्टिमुलाई एंड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से लेकर के कॉम्प्लेक्स हायर एनिमल तक की अगर बात करें, सब में कॉन्शियसनेस होता है, सब में कॉन्शियसनेस होता है। बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक्स के लिए रिस्पॉन्स करते हैं, इवन जिनके पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं है लाइक अमीबा, लाइट के टुवर्ड्स फूड के लिए रिस्पॉन्सेस हाइड्रा लाइट के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। तो कोई भी सिंपल से सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाला कोई भी क्या हो, एनिमल हो या ऑर्गेनिज्म हो, वो भी कॉन्शियसनेस शो करता है और हम भी कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो प्लांट को नहीं भूला जाता है, प्लांट्स भी लिविंग है, तो प्लांट्स में भी कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन, बट इवन प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, किसके लिए, स्टिमुलस के लिए। अब आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। जैसे कि प्लांट्स में आप ऑब्जर्व किए होंगे, एक बहुत फेमस प्लांट है छुई मुई जिसको बोलते हैं, लाजवंती या टच मी नॉट या उसको मीमोसा प्यूटिका बोलते हैं, चार नाम बताया मैंने आपको। इनमें फोल्डिंग ऑफ लीव्स अगर हम देखें तो उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप छुई मुई की पत्तियों को छूते हैं तो तुरंत उनकी लीव फोल्ड हो जाती हैं। तो फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन केस ऑफ मीमोसा प्यूटिका भी तो एक कॉन्शियसनेस है, हमने छुआ, स्टिमुलस अप्लाई किया और उनकी लीव्स जो है वो फोल्ड हो गई। तो टच जो है वो क्या है, स्टिमुलस है, और लीव्स की फोल्डिंग क्या है, रिस्पॉन्स है। हालांकि आपने 10th क्लास में इसको पढ़ा है, इसको हम सीज्मोनेस्टिक मूवमेंट या हैप्टोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। नेस्टिक मूवमेंट है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, टर्गर प्रेशर पे बेस्ड होता है, टर्जिडिटी ऑफ सेल के बेसिस पे होता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बेंडिंग ऑफ शूट टिप टूवर्ड्स द सनलाइट, आपने पढ़ा होगा कि जो शूट टिप है वो लाइट के टूवर्ड्स रिस्पॉन्स करती है, जिधर सनलाइट पड़ती है उसके अपोजिट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और जिधर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं उधर सेल डिवीजन एनलार्जमेंट ज्यादा होता है, तो घूम जाता है शूट लाइट की तरफ। ग्रेविटी की तरफ मूव करना रूट का, ये भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रूट का मूवमेंट ऊपर तो नहीं आ जाती, तो उसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स होकर रहे हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। मूवमेंट ऑफ पॉलिन ट्यूब इनसाइड द स्टिग्मा, इनसाइड द स्टाइल कह सकते हैं, ये भी क्या है, एक तरीके का कॉन्शियसनेस है। ओवरी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं ओवरियन लॉक्यूल में, और उस केमिकल के इन्फ्लुएंस से पॉलिन ट्यूब मूव करता है ओव्यूल की तरफ या एम्ब्रियोसाइट की तरफ या कह सकते हैं एक सेल की तरफ। तो ये सारा जो मूवमेंट है प्लांट के अंदर, ये एक रिस्पॉन्स है, और इसके लिए कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जिसके वजह से ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसी को स्टिमुलस बोलेंगे। जैसे टच हमने किया
तो लीव्स फोल्ड हो गई मिमोसा पुडिका का, तो टच स्टिमुलस और फोल्डिंग ऑफ लीव रिस्पॉन्स। सनलाइट की तरफ बेंडिंग हो रही है शूट टिप की, तो सनलाइट स्टिमुलस और बेंडिंग ऑफ शूट टिप रिस्पॉन्स। ग्रेविटी नीचे लग रही उधर रूट का मूवमेंट हो रहा है, तो ग्रेविटी स्टिमुलस मूवमेंट ऑफ रूट रिस्पॉन्स। केमिकल रिलीज हो रहा है साइनर्जिड सेल से, और उस केमिकल के इन्फ्लुएंस में स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ ही मूव करता है, तो वो केमिकल स्टिमुलस और मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब रिस्पॉन्स हो गया। तो और एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग जानते होंगे टेंड्रिल, टेंड्रिल का जो मूवमेंट होता है वो टच पे बेस्ड होता है। तो आपने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी 10th क्लास में, नेस्टिक मूवमेंट को नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं और ट्रॉपिक मूवमेंट को डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं, जिसे आपको हमने बताया कि केमिकल के इन्फ्लुएंस में जो पॉलन ट्यूब का मूवमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट या कीमोट्रॉपी। इस तरीके से फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे बेंडिंग ऑफ शूट टिप को, जियोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे मूवमेंट ऑफ रूट टूवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ये सारे एग्जांपल के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि प्लांट्स में भी क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है। या फिर आप फोटो पीरियडिज्म अगर सुने हो तो ठीक है, नहीं 11th क्लास में पढ़ेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लाइट जिनकी जिनमें फ्लावरिंग लाइट पे डिपेंडेंट होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको शॉर्ट डे लाइट चाहिए होती है, कम लाइट पे फ्लावरिंग करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू से कम अगर लाइट पीरियड रहेगा तभी फ्लावरिंग होगी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं क्रिटिकल लाइट वैल्यू से ज़्यादा अगर उनके पास लाइट पीरियड होगा तब वो फ्लावरिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी कि फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी ये बात डिपेंड कर रही है लाइट पे। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, पढ़ेंगे हम लोग 11th क्लास में ही। तो शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट जो है इनकी फ्लावरिंग डिपेंड करती है लाइट पे, यानी लाइट स्टिमुलस का काम कर रहा है और उनकी फ्लावरिंग रिस्पॉन्स है यानी कॉन्शियसनेस है, स्टिमुलस को सेंस कर पाने और रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर पाने की एबिलिटी है प्लांट के अंदर। आपके लिए एक होमवर्क है कि क्या एनिमल्स में भी फोटो पीरियडिज्म देखने को मिलता है, फोटो पीरियड देखने को मिलता है या नहीं, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। एनिमल में फोटो पीरियडिज्म होता है या नहीं, हमने प्लांट बताया आपको, फोटो पीरियड एनिमल के केस में ऑब्जर्वेबल होता है या नहीं, टर्म यूज करना चाहिए या नहीं। तो हमने आपको बोला कि कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज स्टिमुलस है और कोई भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रिस्पॉन्स है, और स्टिमुलस को सेंस कर पाना रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर पाने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, या कह सकते हैं सराउंडिंग के बारे में अवेयरनेस को क्या बोल रहे हैं, कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं। हमने कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस नहीं दिखाएगा, किसी पत्थर को टच करेंगे वो हमें मार नहीं देगा, ये ऐसा होता है। तो कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस नहीं शो करता, तो कह सकते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस है और किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हमको कॉन्शियसनेस देखने को नहीं मिल रहा है, केवल लिविंग में और सारे लिविंग में है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है इसमें अगर हम प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरफ आए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर की अगर बात की जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो क्या है, कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। अभी आपको मैं बताया कि केवल और लिविंग में और सिर्फ लिविंग में देखने को मिलेगा, सिंपल है कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस की बात मैं कर रहा हूं तो दो इंपॉर्टेंट बात और आप समझिए, एक तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस नाम से ही समझ में आ रहा है खुद के बारे में अवेयरनेस, यानी aware of himself, या कह सकते हैं self awareness, या हम क्या कह सकते हैं self awareness, खुद के बारे में awareness जो है उसको क्या बोलते हैं, self consciousness। और आपको पता है ऐसा कौन कर सकता है इस धरती पे, इंसान
ह्यूमन बीइंग्स, मेरा है, तुम्हारा है ना, तो अपने बारे में अगर क्या है, पता है हमको, खुद के बारे में हम अवेयर हैं, तो सेल्फ अवेयरनेस या अवेयर ऑफ हिमसेल्फ वाली कंडीशन में हम अगर आए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस। अभी आपको बताया हमने कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ देखने को मिलेगी किसमें, ह्यूमन बींग्स में, किसमें देखने को मिलेगी, ह्यूमन बींग्स में, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और एक बात और समझिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले तो हमने आपको बताया कि ये समझना है, और एक जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर हम बात करें ब्रेन डेड, या कह सकते हैं कोमा पेशेंट, ये बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा कोमा में कोई चला गया है ऐसा कुछ, तो अगर कोमा पेशेंट या ब्रेन डेड पेशेंट की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें कॉन्शियसनेस होता है, जिसे आपने सुना होगा कि कोमा में है भैया, तो उसमें कॉन्शियसनेस होगा उस पर्सन में या उस ह्यूमन में जो कोमा में है, हॉस्पिटलाइज है, जिसकी ये कंडीशन है कि वो कोमा में है, या कह सकते हैं ब्रेन डेड पेशेंट या कोमा पेशेंट की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो कॉन्शियसनेस होगा, लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा। अभी हमने आपको बताया कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ या सेल्फ अवेयरनेस को क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोलते हैं, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ या सेल्फ अवेयरनेस को क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सिर्फ ये ह्यूमन बींग में देखने को मिलेगा। लेकिन ह्यूमन बींग जो ब्रेन डेड है या कोमा पेशेंट है उसमें उसमें कॉन्शियसनेस तो होगा लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगा। कैसे समझेंगे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है? आप क्या करिएगा, वैसे करना तो नहीं चाहिए लेकिन कोई कोमा में है जानने पहचानने वाला, आप उसे मिलने जाइए, अगर गर्मी में गए हैं तो एसी ऑफ कर दीजिए, थोड़ी देर के बाद स्वेटिंग स्टार्ट कर देगा, उसकी बॉडी स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देगी, पसीने आने लगेंगे उसको, लेकिन वो उठ करके एसी नहीं ऑन करेगा या फैन नहीं ऑन करेगा। अगर आपने एसी और फैन ऑफ कर दिया है तो स्वेटिंग स्टार्ट हो गई उसको, यानी वो टेम्परेचर के टुवर्ड रिस्पॉन्ड तो कर रहा है लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, यानी अवेयरनेस है उसके पास सराउंडिंग के लिए लेकिन उसके पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तो इस छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोमा पेशेंट है तो वो स्टिमुलस को सेंस कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर के बारे में उनको अनुभव है, महसूस कर रहे हैं उसको, और उसके लिए रिस्पॉन्स भी जनरेट कर रहे हैं, स्वेटिंग भी कर रही है उनकी बॉडी, लेकिन वो ऑन नहीं कर पा रहे हैं फैन को, यानी उनको ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, यानी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है उनके पास। तो ब्रेन डेड या कोमा पेशेंट के पास कॉन्शियसनेस है क्या नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो कॉन्शियसनेस के लिए इतनी बातें हमको याद रखनी है। अगली जो प्रॉपर्टी हमको डिस्कस करना है जो हमारे सिलेबस में है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हमने आपको बताया कि कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस के बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, इसको हम लोग इवोल्यूशन में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे कि आपको पता है, एक चीज पहले समझ लीजिए जो आपको पता है कि सेल मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलकर के एक इंडिविजुअल या कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसके आगे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के मिलकर के पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम्स, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम वगैरह, तो वो सारी चीजें अलग हैं। तो हमने आपको बताया कि सेल मिलकर के टिश्यू, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, और वो मिलकर के ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल बनाएंगे। लेकिन इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो एक और चीज समझेंगे कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली मिलके बने हुए होते हैं, बहुत सारे केमिकल
कंपाउंड से, और ये बने होते हैं मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं एटम से। तो एटम मिलकर के मॉलिक्यूल से कंपाउंड, और उससे ऑर्गेनाइज होकर सेल ऑर्गेनली, और फिर उसके बाद ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट जहां पे लाइफ स्टार्ट होगी, क्योंकि ये नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग, और किसी भी सेल ऑर्गेनली का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है। तो सेल में पहली बार लाइफ देखी गई, इस वजह से सेल को क्या बोल देते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जो आगे ऑर्गेनाइज होकर के नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे अगर जाएगा तो उसको हम टिश्यू बोलेंगे, वो मिलकर के ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ये जो वेल डिफाइंड या कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ हमको लिविंग के केस में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि कमरे की ये टेबल कुर्सी ये वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं और आप कहीं चले जाए तो बाद में आए तो ये एक जगह पे अकॉर्डिंगली ये ऑर्गेनाइज होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नॉन लिविंग अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ये सिर्फ लिविंग सिस्टम के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि एक वेल डिफाइंड मैनर में अपने आप को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन और ओरिजिन वाली सेल मिलकर के क्या बना लेंगे, टिश्यू, बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, ऑर्गेनिज्म। हमारे अगर खुद के लिए अगर आप अपने लिए एग्जांपल सोचिए तो जैसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो बहुत सारे सिस्टम है जो मिलकर के क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हो गया, बहुत सारे सिस्टम है जो मिलकर के हमारी बॉडी को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और अगर आप किसी एक सिस्टम के लिए बात करें, जैसे नर्वस सिस्टम के लिए, तो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, नर्व्स हो गई ना, तो बहुत सारे इसमें क्या आ जाएंगे, ऑर्गन्स आ जाएंगे, और ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारे टिश्यूज आ जाएंगे जैसे कि नर्वस टिश्यू, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे जैसे कि न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनली होंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ना, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होंगे जैसे कि प्रोटीन और आरएनए वगैरह, वो बने हुए होंगे मॉलिक्यूल्स और एटम से। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल का, या सेल के आगे का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने आपको बताया ये जो ये सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, या ये जो सेल के आगे का ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और अभी हमने आपको बताया कि सेल लिविंग है, और अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं तो लिविंग की बात ही कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से आर्टिकल्स में नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ लिविंग और सारे लिविंग में देखने को मिल रहा है, तो फिर इसके लिए प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, प्रॉपर्टी भी है और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। तो हमने आपको अभी तक पांच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ा दिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, पांच में एक कैटेगरी में आपको बता रहा हूं जिसको बोल रहा हूं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और एक दूसरी कैटेगरी जो आपको याद रखना है दैट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में कौन कौन से, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में कौन कौन सी, तीन। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसको इसलिए इधर रखा कि इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे नहीं डिफाइन कर सकते हैं रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। और अगर विदाउट एनी एक्सेप्शन पूछा जाए तो आंसर ये है, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी पूछा जाए तो आंसर ये है, अगर स्पेसिफिकली इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये टर्म्स लिखे हुए हैं तो एनसीईआरटी को हमें प्रायोरिटी देनी ही है। तो विदाउट एनी एक्सेप्शन मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, और ये दोनों और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये तीनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी इनके बेसिस पे हम लाइफ में लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं, लिविंग नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है,